मुझे लोग कहते हैं ये कतरों की धूल, मुझे लोग कहते चौकीदार ये डाकू का जत्था सामने से जा रहा है, बड़ा पैगाम को भी डाकू बच कर नहीं जाना चाहिए। अरे क्या चाहे जब भाग्य चारों तरफ भय है, क्या चाहे जब भाग्य चारों तरफ भय है, और यहाँ पे पले वहां पे आते हैं ये बात का सबूत, तेरे का कॉल चला चलाओ बाल बच्चों के कर जान प्यारी हो तेरी, जाओ वापस चले पैर जाए चला मान मेरा कहा मा। और ये गोपाल सिंह एक दिल पावा के बढ़ाना नहीं, खुद को हवाले और मेरे कीजिए भागने पर मिलेगा। इंस्पेक्टर तू चंबल के अंदर नहीं आया है, तेरी यहां तक मौत खींच कर लाई है, तो छोड़ दो मेरा पीछा। अरे इंस्पेक्टर अभी अभी वरना अंजाम इसका पूरा पाओगे, तो उसमें तूफान से अर कर चलियो हाथ मल मल के तू साले। तूफान रुक जाओ वरना कल के पेपर में यही निकलेगा कि डाकू और पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ में तूफान सिंह मारा गया, और मैं चाहता हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तूफान तूफान समय अपने पास मसाले की कमी है क्योंकि दरिया को क्रॉस कलर निकलते हैं, अगर कहीं फंस गए तो पुलिस की गोलियों से हम और तो मारे जाएंगे। चौकीदार चौकीदार और दीवान जी ये डाकू सामने दरिया को पार कर चुके हैं। गाड़ी फुला दो। कहा रे तेरी मैया चौदह माधर तो सबके सब साले तरिया में डूबकर
इससे बेहतर है कि गाड़ी वापस थाने ले चलो, गाड़ी वापस थाने ले चलो और हम लोग उसके विषय में कुछ सोचेंगे। हेलो, हाँ या बहुई का भोर भैया, या बहुई का भोर तनी जागो बहुरी यो, अब हुई का भोर तनी मेरे दोस्त लाला कुंद बिहारी, ये बताओ काफी वक्त हो गया लेकिन अभी तक मेरा दोस्त समर सिंह मुंडी भाई की कोठी से वापस नहीं हुआ। अभी वापस नहीं आ बैठा, मैं अपने दोस्त का दोस्त मान जय। समर सिंह साला, ये बैठक नहीं जानते हो किसकी है? ठाकुर भूपेंद्र सिंह की है। आज के अलावा साले कहीं इस नाम को लिया तो 50 जूते मारूंगा। मेरे दोस्त सब भूत मैं बता रहा हूं, मेरे दोस्त समर सिंह कहम मेरे यार, आज मैं तुम्हें कुछ और नजर से देख रहा हूं, मेरी बात को सुनो कहम मेरे यार। समर सिंह मेरे दोस्त बलि करो सभी जी, समय गुजार दिया। दोस्त बंद, तुम कोठे वाली बात पूछना चाहते हो? क्यों नहीं, तो सुनो मेरे यार, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और बताऊं तुम्हें दोस्त मन क्या फंसा, सोनी को जिस दम आगोश हमने, और पहुंच गया धर्म सिंह वहां बन के सया। दोस्त मन, जब हम और तुम लाला कुंज बिहारी मुजरा देख रहे थे ना, तो हम तुम दोनों दोस्तों और लाला कुंज बिहारी वहां से चले आए थे, हम वहीं के वहीं रह गए। दोस्त मन, जब हमने सोनी रानी को देखा तो हमारी नियत सोनी रानी पे खराब हो गई। मेरे कहने का मतलब सोनी रानी के मुद्रे पे इतना दीवाने हो गए। हाँ मेरे यार, मतलब कहने का आना जाना अर्थात मेरा भी ठिकाना छोड़ दे, भूल गए। सही कह रहे हो मेरे दोस्त मन, जब हमने सोनी रानी को देखा तो हमारी नीयत उस पे खराब हो गई। हमने मुन्नी भाई से कहा, मुन्नी भाई 1,00,000 रुपया ले लो और एक रात के लिए सोनी रानी को हमें दे दो, लेकिन वो ससुरी मुन्नी भाई नहीं मानी।
जब मुन्नी बाई नहीं मानी तो हमने मुन्नी बाई को गोली मार दी, और जिस दम मुन्नी बाई को गोली मारी सोनी रानी वहां से भाग निकली। हमने सोनी रानी का पीछा किया, पीछा करते करते बियाबान जंगल में आ गए मेरे दोस्त, और जानते हो वहां साला अचानक धर्म सिंह आ गया। लेकिन ये बताओ मेरे दोस्त समर सेठ, ये धर्म सिंह साला वहां अचानक कैसे पहुंचा? हम जानते हैं तुम धर्म सिंह को नहीं जानते होगे। अरे धर्म सिंह भाई है जो तुम्हारे बड़े भाई अमर सिंह है ना, उन्हीं का लड़का है धर्म सिंह। नहीं दोस्त मन, पहले हम भी उसे नहीं पहचानते थे। जानते हो जब सोनी रानी उसके पीछे पीछे शरण ले ली तो हमने उस लड़के से कहा, अरे लौंडे रास्ता छोड़ और सोनी रानी को हमारे हवाले कर दो। लेकिन वो साला नहीं माना करने लगा। दोस्त मन, जब हमने उसे गोली मारना चाहा तो देखा गले में वही लॉकेट पड़ा हुआ था जो अमर सिंह ने अपने बेटे के गले में और जो श्यामू माली है उसकी बेटी की गले में डाला था। वही लॉकेट देखकर मैं पहचान गया ये तो धर्म सिंह है। हमने सोचा अगर आज से हम गोली मारते हैं तो पता ना ये साला 18 साल का हुआ है या ना हुआ हो। अगर हमने सोचा आज गोली मार देते हैं ये साला 18 साल का नहीं हुआ होगा तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये जो जगह जमीन और दौलत के पीछे आज तक हम लोग भागते आए हैं ये अनाथ आश्रम में चली जाएगी। इसलिए दोस्त मन, हमने उसे गोली नहीं मारी, भागते हुए अपनी हवेली आ गए। और वहां हवेली आकर हमने कुछ सोचा, सोच विचार कर हम तुम्हारी हवेली गए। वहां जाके देखा तुम्हारा जो बेटा धर्म सिंह है ना और तुम्हारे बड़े भाई का लड़का जो धर्म सिंह है, वीर सिंह और धर्म सिंह का जन्म एक ही दिन हुआ था। जब हमने वीर सिंह की जन्म कुंडली देखी तो वीर सिंह 18 साल का हो चुका था। तो हमने सोचा इसका मतलब जब दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था तो धर्म सिंह भी 18 साल का हो गया होगा। तब हमने सोचा साले को गोली क्यों ना मार दी। दोस्त मन, अब तुम बताओ हमें करना क्या है, धर्म सिंह को मारना है या साले को जिंदा छोड़ना है? ठहरो 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 समर सिंह, जब शस्त्र हो गए चिड़िया जाल से निकल गई लेकिन अब मिलना मुश्किल की नहीं। अगर वो बादर 14-18 साल का हो चुका है तो मेरी बात सुनो। कहो मेरे यार। तब कर यही बात है तो सुनो दोस्त भाई, कर यही बात। जब कुछ तब लिखे तो को पहुंच वहां और कर हटी हटी और साले की तोड़ दो जिंदा बचना ना पाए। डीजे क्या मुझे और अभी चाहता हूं मैं। और अभी चाहता हूं मैं तेरी आगे में मुटक लगाऊ नहीं, बीच में घर से कोई दखल जो करे तू का गोली चला खा। नहीं थे थे वन पत्थर मसाला निकल जाएगा समुदाय के सब काम सारा आपके हुक्म से आरा कुछ ऊचर है नहीं। आरा कुछ ऊचर है नहीं, कुछ लठ है तो को लेकर के मैं जाऊंगा। आपका जिंदा बचेगा अरे धर्म सिंह सुनो, उसको मुल के आदम को मार जबाद आज लगा दो वही देख लो। भैया खड़ा बहुत डालो उतर के तो बंदूक से मुश्किल हो जाए और सब पार लगने से बैसा। दोस्त मन साला धर्म सिंह जिंदा नहीं बचेगा। और ये तो हम दौलत के पीछे 18 साल से भागते भागते आ रहे हैं मेरे दोस्त। सही कहते हो, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी मेरे यार। साहब मेरे यार,
नहीं तो साला जाल से निकल जाएगा। दोस्त बन, धर्म सिंह को मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते हो धर्म सिंह फौज की ट्रेनिंग ले रहा है। क्या फौज की ट्रेनिंग? और तुम तो जानते हो फौजी कितने खतरनाक होते हैं मेरे यार। बात है मेरे दोस्त समर सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब साले की बहुत बड़ी लंबी चौड़ाई होगी। हाँ मेरे यार, दोस्त बन ऐसा करते हैं, जब फंदा हमने तुमने उसके बाप के मरने के लिए अपनाया था वही फंदा आज भी यूज करेंगे। लाला कुंज बिहारी तुम जाना दुकान से अच्छी सी मिठाई ले लो और उसमें नशे वाली दवा मिला लो। सच का ही और जाके पहुंचो शंकर जी के मंदिर में। हमने सुना है वो रोज सुबह सुबह वहां पूजा करने के लिए आता है और जिस दम तुम्हें धर्म सिंह दिखाई पड़े वही मिठाई तुम उसको खिला देना। जब वो सलम मिठाई खा लेगा और मिठाई में नशीला पदार्थ यानी नशे वाली दवा मिली होगी, साले को उसके बाप की तरीके से उसको भी नहीं दिखाई देगा। तब हम कुछ लठैतों को लेके वहां आएंगे और साले को लाठी से मार मार के लहूलुहान कर देंगे। छोटे सरकार, देखो गरमा गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा। ये भी सही बात है कुंज बिहारी, ठंडवा करके खाना चाहिए। वही पुराना फंदा जो तुम्हारे बड़े भाई के साथ में किया था वही फंदा अपनाओ और उसमें जानते हो विषैली गोली मिला के उसको खिला देंगे और उसके बाद में वो सो जाएगा। और मानने का यही तरीका है। सही कह रहे हो, मानने का मौका नहीं है क्योंकि हो सकता है वो निकल जाए। ठीक है लाला कुंज बिहारी, तुम आगे चलो और पीछे से मैं कुछ लठैतों को लेके आता हूँ। ठीक है मैं चल रहा हूँ। चलो दोस्त बन, तुम दरबार में बैठे बैठे आराम करो, अब जल्द ही अमर सिंह की सारी दौलत जगह और जमीन हमारे तुम्हारे कब्जे में होने वाली है। और जिस दम साला धर्म सिंह नहीं रहेगा उस दम जगह जमीन हमारे तुम्हारे हाथ आ जाएगी। अमर सिंह ये मेरा वादा है, जब जगह जमीन व दौलत के लिए अपने भाई को साले को काल में पहुंचा चुका हूँ, ये मादर चौध मेरा कौन हो सकता है। सही कह रहे हो मेरे यार। चलो दोस्त बन, तुम चलो चौपाल में आराम करो और हम जा रहे लाला कुंज बिहारी के पीछे। चलो दोस्तों, हमें फौज की नौकरी तो मिल गई। इस समय ये पहले कहा जाने वाला धर्म सिंह इस समय ब्रिगेडियर धर्म सिंह के नाम से जाना जाता है। मैं एक कमांडर के रूप में भारत की मिलिट्री फौज में शामिल हुआ हूं, लेकिन अफसोस मैं भारत माता की तो रक्षा कर रहा हूं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा परिवार जहां होगा, पता नहीं कौन सी मुसीबत में होगा या कैसा होगा। इसलिए हमने अपने जर्नल से छुट्टी लेकर आज इस बनारस शहर को वापस लौट के आया हूं। और आज जाकर क्योंकि हमें खबर मिली है कि चांदपुर गांव से हर महीने हमारे नाम से एक चेक आता था, इसका मतलब चांदपुर गांव से हमारा नाता कोई ना कोई जरूर है। आज मैं चांदपुर गांव की तरफ जाऊंगा और वहां जाकर अपने बारे में पता करूंगा, लेकिन मुझे चांदपुर गांव जाने का रास्ता नहीं पता है। कोई बात नहीं, कोई राहगीर मिलेगा तो उससे पूछ लेंगे। चलते हैं अपने वतन। और सावन के झूलों ने मुझको भुलाया, सावन के झूलों ने मुझको भुलाया, परदेसी घर वापस आया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी
आया उसकी जुल्फों का साया, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और ये मंदिर जो दिखाई पड़ता है भोले बाबा, चलते हैं भोले बाबा के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को प्रसाद ग्रहण कराएंगे और फिर घर को जाएंगे। घबराना मत, प्रसाद सबको मिलेगा। मंगली भवानी बताएं, आज रास्ते में कोई राहगीर भी नहीं दिखाई देता है। सामने शिव जी का मंदिर है, मुझे उस मंदिर में चलना चाहिए और देखता हूं अगर वहां कोई पुजारी मिल जाता है तो हम उससे चांदपुर गांव जाने का रास्ता पूछ लेंगे। चलते हैं। या भोले बाबा कल्याण करना, चलते हैं क्योंकि समय काफी हो चुका है और अब चांदपुर गांव को प्रस्थान करते हैं। बाबा जी, हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। क्या जानकारी मुझसे? असल में हम यहां पर आए और यहां जिस जगह पर नए हैं और हमें चांदपुर गांव जाना है, लेकिन मुझे चांदपुर गांव जाने का रास्ता पता नहीं। हो चांदपुर गांव को जाना चाहते हो तो मैं चांद ही गांव में रहता हूँ। हाँ बेटा, इसका मतलब आप हमें वहां तक ले चलोगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अगर कोई भूला भटका हो तो उसको रास्ता बताने में कोई अभियत नहीं होती, तो मैं रास्ता बता देते हैं तुम चांदपुर गांव को अपना। शुक्रिया बाबा जी, चलो फिर चलते हैं, देर करते हैं। हाँ सच कहते हो, मतलब कहने का ये है मैं भोले बाबा के मंदिर से अभी अभी आ रहा हूँ और पहले थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लो, उसके बाद में तुम्हें चांदपुर का रास्ता बता दूंगा और सीधा चले जाना चाहूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि आप मंदिर से पूजा करके आए हैं और साथ में प्रसाद भी लाए हैं? हाँ बेटा। उस प्रसाद को हम ग्रहण करें, उसके बाद तुम हमें चांदपुर गांव ले चलोगे? हाँ बेटा। कोई बात नहीं, कहते हैं कि प्रसाद को कभी इनकार नहीं करना चाहिए। सच कहते हो। लेकिन बाबा, उसके साथ ये भी कहा जाता है कि प्रसाद लेते समय किसी सामान किसी वर्जित हथियार का रखना वर्जित होता है। बहुत अच्छे विचार है। सर्वप्रथम मैं अपने हथियार और बैग्स को रखता हूँ, उसके बाद मैं आपका प्रसाद ग्रहण करूंगा और यहां से प्रस्थान करूंगा। रख दो। दो बाबा। हाँ, प्रसाद। खा लो बेटा, सोचते भी जा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब चलते हैं। ये तुमने हमें क्या खिलाया? तेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। कौन हो तुम? कौन हो? तुमने एक फौजी के साथ विश्वासघात किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा!
लगता है सामने से एक बुढ़ा और लड़की इधर ही आ रही है। इससे पहले मैं तुम्हें पहचान जाए निकलो। क्या देख रहा हूं? ये तो धर्म है बाबा। धर्म जानते हो बेटा? धर्म धर्म बाबा। बेटे धर्म को क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा सहारा है क्या बाबा? बेटी कुछ मत पूछो। क्यों बाबा? अगर नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। और ये है बाल तू मेरे है इनका नौकर हूं मैं। ये है बाल तू मेरे इनका नौकर हूं मैं। काम करो कि ये बाबा ये है धर्म सिंह मेरे मालिक अमर सिंह का बेटा। हाँ। एक काम करो बेटी। कौन सा बाबा? अभी अभी जो धर्म सिंह है इसको होश में लाओ, क्योंकि अभी इसके शरीर में जान है। सच बाबा। जाओ एक काम करो, मैं थोड़ी देर के लिए पीछे जा रहा हूँ और तुम अपने जिस्म की गर्मी से इसे होश में लाओ। बाबा। Oh,